हेलो एवरीवन, हमें स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन में साइन x, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, तो इसमें हम लोग साइन 2a के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है जी, तो इस साइन 4x को हम लोग साइन 2 इंटू 2x लिखेंगे। ठीक है जी, अपॉन में साइन एक्स। अब देखो साइन 2a, ये हमारा 2x a की जगह वर्क करेगा और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a, तो 2 साइन 2x इनटू में cos 2x होल अपॉन में साइन x। ठीक है जी, अब यहां पे साइन 2x की जगह पे अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस 2x होल अपॉन में साइन एक्स डीएक्स। ठीक है जी, अब देखो यहां पे साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, एक 2 को हम बाहर दे लेते हैं और एक 2 को यहीं रहने देते हैं ताकि हम लोग 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सके। देखो 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, तो हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि जो एंगल ए है वो बी से ग्रेटर देन हो, तो इसलिए हम कॉस 2x को पहले लिखेंगे कॉस एक्स के लिए। तो यहाँ पे आएगा कॉस 2x इनटू में कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है जी, अब 2 कॉस ए कॉस बी, ये आपका ए की जगह वर्क कर रहा है और एक्स हमारा बी की जगह, तो 2 बाहर यहाँ पे आएगा cos a प्लस बी, 3 और 1 हो गया आपके पास, 2 और 1 हो गया 3x प्लस का cos a माइनस बी, 2 माइनस 1 आपके पास हो गया 1, तो cos x dx। ठीक है जी, अब 2 बाहर, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पे आएगा sin 3x अपॉन में 3 प्लस का cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का c। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका।